हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रेसिपीज़ एट रैंडम। चलिए आज बनाते हैं ये बहुत ही हेल्दी और क्विक डेजर्ट फ्रूट क्रीम। बड़ी सिंपल सी रेसिपी है, आप इसे किसी भी ओकेजन में, किसी गेट टुगेदर के लिए 10 से 15 मिनट बनाकर रेडी कर सकते हैं। फ्रेश फ्रूट्स और क्रीम का कॉम्बिनेशन बहुत ही डिलीशियस लगता है, बच्चों से लेकर बड़ों को सभी को बहुत पसंद आता है। इसके सामने वो आइसक्रीम को टच भी नहीं करेंगे, बिलीव मी ये बहुत यमी लगती है। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। तो इसे बनाने के लिए मैंने ले लिए हैं फ्रेश फ्रूट्स, जो भी सीज़न में आपके पास अवेलेबल फ्रूट्स हो उन्हें आप यूज़ कीजिएगा, पर ध्यान रखिएगा बस फ्रूट्स मीठे होने चाहिए। तो ऑरेंज मैंने ले लिया है, बादाम मैंने लिए हैं, देखिए तो बादाम मैंने रात भर भिगा कर रखे थे वो लिए हैं, एक कीवी लिया है, अनार लिया है, एक सेब लिया है, दो केले लिए हैं और थोड़े से पिस्ता लिए हैं गार्निशिंग के लिए। ले लिए हैं काले अंगूर और थोड़े से स्ट्रॉबेरीज लिए हैं, थोड़े से ये ग्रीन वाले अंगूर ले लिए हैं। तो सभी को अच्छे से वॉश करके इन्हें छोटे छोटे पीसेस में आप चॉप करके रख लीजिए। आप इसमें चाहें तो किशमिश भी ऐड कर सकते हैं, आप इसमें काजू भी ऐड कर सकते हैं। तो ले लीजिए एक बड़ा मिक्सिंग बोल, उसमें मैं डाल रही हूँ ये अमूल की फ्रेश क्रीम। तो ये बहुत आसानी से मार्केट में मिल जाती है, हर ग्रॉसरी शॉप पर कहीं पर भी, तो आप बहुत ईजिली अवेलेबल होती है, तो इसीलिए इसी से बनाएंगे। नहीं तो अगर आपके पास व्हिपिंग क्रीम है तो उससे भी आप बना सकते हैं। तो ये मैंने 250 ml वाला जो पूरा पैकेट होता है एक बड़े बोल में निकाल लिया है और अब मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा फ्रेश दही। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, दही बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए, खट्टी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर खट्टी होगी तो आप एक ही चम्मच ऐड करिएगा, अभी मैं 2 चम्मच इसमें ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा और ये हेल्दी हो जाएगा। अब ले लीजिए एक विस्क और क्रीम और दही को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे दोनों का टेक्सचर आपस में मिलकर के बिल्कुल क्रीमी सा टेक्सचर हो जाए। और विस्क से थोड़ा सा आपको टाइम लगता है, ये वाला जो विस्क है ना, वायर विस्क, इसके साथ थोड़ा सा आपको 10 मिनट तक इसे फेंटना पड़ेगा, जिस तब तक ये फ्लफ़ी ना हो जाए। और अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो काम आपका बहुत आसान हो जाएगा, बिल्कुल 2 मिनट में आपकी क्रीम रेडी हो जाएगी। तो हल्का सा जब ये मिक्स हो जाए उसके बाद हम इसमें डालेंगे पाउडर्ड शुगर। तो शुगर पाउडर करीब मैंने डाला है 2 बड़े चम्मच, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम या ज़्यादा कर लीजिएगा, लेकिन मैंने जितनी डाली है वो टुवर्ड्स हल्का मीठा ही है, क्योंकि फ्रेश फ्रूट्स की भी अपनी मिठास है, उसमें केला है तो उसकी भी स्वीटनेस रहेगी। तो अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो 1 चम्मच और ऐड कर लीजिएगा। और मैंने ले लिया है, देखिए, इलेक्ट्रिक बीटर, इससे मैं फटाफट से इसे बीट कर लूँगी, इसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, 2 से 3 मिनट में ये रेडी हो जाएगी क्रीम। और आप अगर हैंड विस्क यूज़ करेंगे तो उससे करीब आपको 10 मिनट लग सकते हैं। देखिए क्रीम का टेक्सचर कुछ कुछ हमें ऐसा चाहिए, मैं आपको दिखाती हूँ अभी। अच्छे से इसे सारी क्रीम को इसमें से निकाल लीजिए, थोड़ा सा इसमें डाल देंगे हम वनीला एसेंस, अगर आपके पास हो तो डाल दीजिए, इससे जो एक आइसक्रीम का हल्का सा टेस्ट आता है ना वैसा इसमें आ जाएगा। और अगर नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। और इसे मिक्स कर दिया है तो टेक्सचर देख रहे हैं आप, वॉल्यूम में भी क्रीम काफ़ी ज़्यादा हो गई है, पहले तो बिल्कुल थोड़ी सी थी, अब कितनी फ्लफ़ी सी क्रीम हो गई है, देखिए कितनी फ्लफ़ी सी हो गई है। तो बस हमें बिल्कुल यही टेक्सचर चाहिए क्रीम का, हमारी क्रीम जो है ना बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब इसे एक स्पैचुला की हेल्प से साइड से पूरा स्क्रैप कर लीजिए, ये देखिए कितनी बढ़िया लग रही है क्रीम। तो अब इसमें ऐड कर देंगे सारे फ्रूट्स, तो एप्पल के मैंने छिलके निकाल कर छोटे छोटे पीसेस में चॉप कर लिया है, ग्रेप्स ले लिए हैं थोड़े से, मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और जैसे आपको क्रीम ज़्यादा पसंद है तो फ्रूट्स थोड़े से कम रख लीजिए, फ्रूट्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं उसमें तो आप सारे भी डाल सकते हैं। तो थोड़ा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग फ्रूट्स भी एडजस्ट कर सकते हैं, शुगर भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं पहले देखिए थोड़े थोड़े से बचा कर रख रही हूँ, पहले मिक्स करूँगी देखूँगी। और मैंने जो ये ऑरेंज है ना पूरे सीड्स निकाल करके अच्छे से देखिए छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। कीवी बिल्कुल मीठा था इसलिए मैं इसको डाल रही हूँ, अगर खट्टा कीवी होगा तो बिल्कुल मत डालिएगा। तो थोड़े से खट्टे फ्रूट्स अवॉइड करेंगे, बिल्कुल मीठे फ्रूट्स डालेंगे, इससे बनाना का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अगर आपको ज़्यादा गुई पसंद है तो आप बनाना ज़्यादा यूज़ कर लीजिए, और थोड़ा ज़्यादा क्रंची पसंद है तो इसमें आप एप्पल्स ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। और मैं लास्ट में डाल रही हूँ थोड़े से ये जो मेरे पास फ्रूट्स बचे हुए थे ना, क्योंकि क्रीम मुझे अभी लग रहा है कि सारे फ्रूट्स चले जाएंगे, तो मैं सारे फ्रूट्स जो थोड़े थोड़े बचा कर मैंने रखे थे वो मैं सारे ऐड कर दे रही हूँ। तो ये सारे मिक्स हो जाएंगे आराम से, इतना क्रीम है, देखिए एक पैकेट क्रीम कितना थोड़ा सा लग रहा था, लेकिन मिक्स होने के बाद जब उसे हमने बीट किया और फ्रूट्स के साथ मिक्स किया है तो कितना क्वांटिटी में कितना ज़्यादा हो गया है। तो आराम से जितना फ्रूट क्रीम में बना है ना, ये 5 to 6 लोगों के लिए परफेक्ट है इतना। तो अगर 5 से 6 लोगों को आप सर्व करना चाहते हैं तो इतना बना सकते हैं। मैंने अनार के दाने भी ऐड कर दिए हैं और हमारा फ्रूट क्रीम बनकर बिल्कुल रेडी है। लास्ट में मैं ऐड करूँगी ये बादाम जो मैंने भिगा कर
छील कर रखे थे उन्हें चॉप कर लिया है, पिस्ता को भी चॉप कर लिया है। और बच्चों को अगर पसंद हो तो काजू के छोटे छोटे पीसेस में चॉप करके आप डाल सकते हैं, किशमिश डाल सकते हैं इसमें। और हमारी फ्रेश फ्रूट क्रीम बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। है ना कितनी सिंपल सी रेसिपी, इसे आप कभी भी बनाकर एंजॉय कर सकते हैं, बहुत टेस्टी लगती है। इसे गर्मियों के मौसम में आप बनाकर फ्रिज में रख दीजिए और ठंडा ठंडा सा सर्व कीजिए, ये बहुत अच्छी लगती है। इसके सामने आइसक्रीम भी बिल्कुल फेल है। तो इसे मैंने सर्व कर लिया है, ऊपर से आप कलरफुल फ्रूट्स हैं, थोड़ा सा कलर्स का ध्यान रखिए और कलर्स के अकॉर्डिंग थोड़ा सा ऊपर से डेकोरेट कर दीजिए। मैंने थोड़े से ब्लैक ग्रेप्स, थोड़े से ये पोमेग्रेनेट और थोड़े से ये मैंने सीड्स डाल दिए हैं इसके ऊपर। थोड़े से मैं बादाम, पिस्ता से हल्का सा गार्निश कर दूँगी। और ये हमारी टेस्टी फ्रूट क्रीम बनकर बिल्कुल रेडी है। इसे आप बनाइए, बच्चों के साथ एंजॉय कीजिए। अगर आपके घर में कोई गेस्ट आ जाते हैं और आपको स्वीट डिश में समझ में ना आए कि क्या बनाएं, तो फटाफट से आप इसे बना सकते हैं। ये बिल्कुल भी हैवी नहीं लगती है खाने के बाद, बिल्कुल लाइट लगती है और बहुत सभी लोग बहुत एंजॉय करते हैं। इसे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी बहुत सारी टेस्टी रेसिपीज़ देखने के लिए। और न्यू रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।